15 अक्टूबर को रांची में झारखंड अधिवक्ता संघ का एक दिवसीय अधिवेशन। 37 बार संघों के प्रतिनिधि अधिवेशन में लेंगे भाग। आजसू पार्टी के विंग अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ का एक दिवसीय अधिवेशन आगामी 15 अक्टूबर को रांची में होने जा रहा है। यह अधिवेशन रीताश्री बैंकेट हॉल बड़ाई बूटी बरियातू रोड रांची में होगा। अधिवेशन में पूरे प्रदेश के 24 जिले के सभी 37 बार संघों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुरुवार को स्टेट बार काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष सह प्रदेश संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने अपने सिरस्ता में पत्रकार सम्मेलन में उपरोक्त जानकारी दी। मौके पर अध्यक्ष जहरलाल महतो, महासचिव भजन लाल महतो, वरीय नेता पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष धनेश्वर महतो, जनार्दन बैनर्जी, तरुण मांझी, प्रहलाद साहू, मनीष गोस्वामी, जनप्रिय चैटर्जी, वीना देवी, दीपेश महतो, शोभा दे एवं अन्य उपस्थित थे। राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि अधिवेशन कई सत्रों में संचालित होगी, जिसमें सांगठनिक, राजनीतिक एवं भावी कार्यक्रम जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री झारखंड सह केंद्रीय अध्यक्ष आजसू पार्टी के सुदेश कुमार महतो अधिवेशन में मुख्य अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथि में पूर्व न्यायाधीश एवं आजसू पार्टी के वरीय पदाधिकारी होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि 16 अक्टूबर को अखिल झारखंड महिला संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन होगा। पूरे राज्य के सभी 24 जिले में ये सम्मेलन होगा। 18 अक्टूबर को कोल्हान प्रमंडल का प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह चांडिल डैम क्षेत्र में होने जा रहा है। कोल्हान प्रमंडल के सभी 3 जिला, 48 प्रखंड एवं 686 वार्ड पंचायत के पदाधिकारी तथा केंद्रीय कमेटी एवं सभी अनुषंगी इकाई के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहेंगे। साथ ही सभी केंद्रीय पदाधिकारी, सभी अनुषंगी इकाई के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। बताना चाहते हैं कि झारखंड की माटी की पार्टी सिर्फ आजसू ही है और झारखंड आजसू पार्टी जिसको जनता ने स्वीकार कर लिया है और इसकी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को बोलने वाला एकमात्र अधिवक्ता होते हैं जो सभी पक्षों को सामने ला करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जैसे देश को आज़ाद कराया, संविधान को बनाने में आगे आए और फिर अलग राज्य का आंदोलन करने में और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों के साथ में भी अधिवक्ता लोग सक्रिय रूप से रहे और आज़ादी मिली है और अब झारखंड के लोग चले गए हैं। विभिन्न तरह का सरकार बना है लेकिन कोई कुछ सुनवाई नहीं किया है। ऐसे में जनता के भलाई के लिए, जनता के आवाज़ को सरकार तथा अन्य क्षेत्रों में उठाने के लिए माननीय सुदेश महतो जिनके नेतृत्व में आजसू पार्टी अग्रसर है, उनके नेतृत्व में नीति और सिद्धांत को जो झारखंड के लोगों के लिए ही सिद्धांत बना हुआ है, यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा के लिए सिद्धांत बना हुआ है, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, इनके पास कल्याणकारी योजनाएं हैं जो बार बार सरकार को अवगत कराता है, नहीं हो रहा है। उसी निमित्त बहुत सारे इनमें विंग हैं, शाखाएँ बनाई हुई आजसू पार्टी के, उसमें अधिवक्ता और अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ का भी निर्माण किया जा रहा है, पुनर्गठित किया जा रहा है। पहले से भी कार्यशील थे लेकिन अब 15 श्री बैंकट हॉल बड़ा का ही बरियापुर रांची में 11 बजे से माननीय आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुदेश महतो जी इनका उद्घाटन करेंगे जो आजसू के सुप्रीमो हैं, आजसू के अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम में पार्टी के परम आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, आदरणीय विधायक लंबोदर हमारे चौधरी जी सांसद हैं और सहित प्रमुख प्रवक्ता आजसू पार्टी के देवशरण भगत जी, महासचिव हसन अंसारी सहित केंद्रीय नेताओं, मंत्रियों वहां पर उपस्थित होंगे और ऑल झारखंड एडवोकेट्स एसोसिएशन का पुनर्गठन निर्माण होगा, सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा होगी, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी और आने वाले समय के लिए जो कार्यक्रम नीति निर्धारण किया जाएगा, इस तरह का सारा कार्यक्रम वहां पर होंगे, उसकी जानकारी हम लोग देने के लिए, हम जनता के पास प्रस्तुत करने के लिए हम लोग आए हैं। इस बार अधिवक्ता लोग आजसू पार्टी को अपने अंजाम में जो सोच है, जो सिद्धांत है, उसको पूर्ण करने